संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में गाजा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम के लिए पेश प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हो गया। प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट पड़े जबकि विरोध में सिर्फ 14 वोट पड़े। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी समेत 45 देशों ने मतदान से खुद को अलग रखा। प्रस्ताव में इसराइल और हमास के बीच मानवीय आधार पर तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया गया है। साथ ही बिना किसी रुकावट के गाजा तक मानवीय सहायता पहुंचाने की अपील भी की, जिसमें पानी, बिजली और वस्तुओं के वितरण को फिर से शुरू करना शामिल है। तो युद्ध विराम पर यूएन में प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, क्योंकि अब हम देखें तो ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है इसराइल और हमास का युद्ध, जहां से दोनों देशों के लिए पीछे हटना अब मुमकिन नहीं है। उधर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा में युद्ध विराम से जुड़े एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये प्रस्ताव जॉर्डन समेत अरब देशों की तरफ से पेश किया गया, जिसे भारी बहुमत से अपनाया गया। उस प्रस्ताव में इसराइल और हमास से मानवीय आधार पर फौरन संघर्ष विराम की अपील की गई, साथ ही बिना किसी रुकावट के गाजा तक राहत सामग्री पहुंचाने के रास्ते खोलने की मांग की गई, ताकि वहां पानी, बिजली और जरूरी चीजों की सप्लाई दोबारा शुरू की जा सके। जॉर्डन समेत अरब देशों की तरफ से लाए गए इस प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट पड़े जबकि विरोध में 14 वोट पड़े। वहीं 45 देशों ने मतदान से खुद को अलग रखा। उधर हमास और इसराइल की जंग का अखाड़ा बने गाजा में लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। वहां खाने पीने समेत कई जरूरी चीजों के लिए लोगों को जूझना पड़ रहा है, क्योंकि हमास के हमले के कुछ दिन बाद ही इसराइल ने गाजा की चौतरफा घेरेबंदी कर दी, जिसके बाद वहां बाहर से आने वाले ईंधन, दवाएं और खाने पीने की चीजों की सप्लाई लगभग रुक गई। जबकि गाजा के लोग ज्यादातर बाहरी मदद के भरोसे ही रहते हैं, लेकिन जरूरी चीजों की सप्लाई रुकने से वहां रहने वाले फिलिस्तीनियों की मुश्किलें बढ़ गई। इतना ही नहीं, गाजा में पीने के पानी के लिए भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। ऐसे में दावा किया गया कि अगर बाहर से भेजी जाने वाली मदद के लिए जल्दी गाजा की सीमा खोली नहीं गई, तो वहां हजारों लोगों पर भूखे प्यासे मरने का खतरा मंडराने लगेगा।